नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लाए हैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और पूरा आप इसमें सब्जियां भर भर के डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नाश्ता कैसे बनाएंगे। तो हमने यह नाश्ता बनाने के लिए लिया है एक कटोरी पोहा। पोहा हमारा मीडियम साइज़ वाला है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। वैसे मोटा भी रहेगा तो आप ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और आधी कटोरी हमने लिया है ओट्स। ओट्स बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना और बहुत हेल्दी भी है। तो बस क्या करेंगे, हम लिए हैं जार। अब जार में डाल लिए हैं पोहा और ओट्स, इसे हमें बारीक पीसना है। तो हम डाल देंगे अब इसमें दही। दही यदि आपका कम खट्टा है तो थोड़ा एक दो चम्मच और ले लीजिएगा। बस इसको बारीक पीसना है। देखिए हमने इसको बारीक पीस लिया है। अगर आपको ज़्यादा सूखा लगे तो यहाँ पे थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं पीसते समय। तो हमारा पीस गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिस कटोरी में हमने दही लिया उसी कटोरी से हम पानी लिए हैं, तो थोड़ा पानी हमने अभी डाला है और इसकी चम्मच की सहायता से अच्छे से दबा दबा के मिक्स करेंगे। गांठें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी और डालते हैं। एक बार में सारा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मिक्स करने में फिर दिक्कत आती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे तो बहुत बढ़िया से मिक्स हो जाता है। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत और पड़ेगी क्योंकि अभी हम यहाँ पे सूजी भी डालेंगे। तब इसमें सूजी डालते हैं, पर थोड़ा थोड़ा सूजी डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब बाकी का सूजी हम इसमें डाल देते हैं और दबा दबा के चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप यहाँ पे चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। बाकी पानी थोड़ा और डालते हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका ज़्यादा पानी भी हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा और मिक्स करने में भी दिक्कत आती है। तो बस बाकी का पानी हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और तो हमने एक कटोरी दही में दो कटोरी पानी लिया है, उसी कटोरी से। हमको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना, बस इतना ही हमें रखना है। देख लीजिए कैसा है। अब इसको रख देते हैं 10 से 15 मिनट तक ढक के। तब तक हम अपनी सब्जियां जो इसमें डालेंगे, आपकी जो भी मनपसंद सब्जियां हो या आपके किचन में जो भी अवेलेबल सब्जियाँ हैं तो आप काट करके डाल सकते हैं। तो हम इसमें डालते हैं गाजर। तो गाजर डालने के लिए हमने कद्दूकस लिया है, तो इसे कद्दूकस करके डालेंगे। आप बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने लिया है एक प्याज और एक शिमला मिर्च, इसे भी हम बारीक बारीक कट करेंगे। देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से बारीक बारीक हमने कट कर लिया है। तो बस इसे अब हम डालते हैं बैटर के अंदर। देखते हैं हमारा बैटर फूल गया होगा अच्छा से। 15 मिनट में हमारा जो सूजी है, पोहा है, ओट्स है, अच्छे से फूल गया है। अगर आपको पानी कम लगता है तो एक दो चम्मच पानी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले सब्जियां मिला लेंगे, फिर हमको जैसे लगेगा फिर वैसे करेंगे। तो इसमें डाल देते हैं सारी सब्जियां। कितना अच्छा लग रहा है कलर सब्जियों का। तो हमने यहाँ पे लिया है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर बारीक कटा हुआ, हरा धनिया और हरा मिर्च बारीक कटा हुआ। तो सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियाँ देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देख के। अब इसमें डाल लिया हमने नमक। नमक आप स्वाद के हिसाब से डालिएगा अपने। यहाँ पे लिया एक चौथाई चम्मच भुना जीरा और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बस हमें और कुछ मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा और हेल्दी तो है ही है। तो बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों आप सबसे निवेदन है, यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा। और आप एक बार ज़रूर यह नाश्ता ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। और बच्चों तो एक बार अगर खा लेंगे तो बार बार आपसे इसी तरह से बनवाएंगे। तो बस यहाँ पे हमने ले लिया है नॉन स्टिक तावा लिया है, आप आयरन तावे पे भी बना सकते हैं नाश्ता। तो पहले थोड़ा सा तेल से ग्रीस करेंगे, फिर लेंगे करछी भर के और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, एक मीडियम रखना है। अब बस इसी तरह से हम बाकी जो खाली जगह पड़ा है ना, छोटा छोटा बना रहे हैं तो इसमें करीब 3 आ जाएगा, तो हम 3 बना लेंगे इसमें। छोटा छोटा अच्छा भी लगता है देखने में भी और अच्छे से हो भी जाता है। तो बस अब हम तीसरा भी डाल लेते हैं। आपका जितना जगह बचता हो तावे पे, 2 डालने की जगह बचती तो आप 2 ही डालिएगा, और 4 डालने की जगह बचती तो आप 4 भी डाल सकते हैं, जितना जगह हो उसी हिसाब से आप डाल लेंगे। तो देखिए हमने फैला लिया है और गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे ढक्कन से। दो तीन मिनट बाद देखते हैं, देखिए इसका जब कलर पूरा चेंज हो जाए तो समझिए पलटने के लिए तैयार है। तो अच्छे से हो गया है, अब इसको हम पलट लेते हैं बस इस तरह से। अगर गैस का फ्लेम आपको ज़्यादा लगे तो थोड़ा और कम कर दीजिएगा, तेज आंच मत करिएगा क्योंकि फिर जल जाएंगे। बहुत कम तेल में, बहुत कम मसाले में यह नाश्ता बनके तैयार होता है और बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बन भी जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे हल्का हल्का, देखिए हम बहुत कम तेल लगा रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा पलट लेते हैं, हमारा हो गया है नाश्ता तैयार। तो हम निकाल लेते हैं अब इसको प्लेट में। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करछी से डालेंगे और उसको फैला लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश होके खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी खुश होके खाएंगे, सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उलट पलट के यह नाश्ता तैयार कर लेंगे। जब ये हो जाता है पलटने के लिए तो देखिएगा इसका कलर ऊपर से चेंज हो जाता है, तो समझे पलटने के लिए तैयार है। तो थोड़ा थोड़ा तेल लगा के आप उलट पलट के यह नाश्ता तैयार कर लेंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? यदि आपने पहले से किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। और हम अपने चैनल पे इसी तरह के आसान और टेस्टी स्वादिष्ट रेसिपी लेके आते रहेंगे। तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है, हाथ में लेने के बाद टूटता भी नहीं है, और तोड़ के आपको दिखाते हैं कितनी आसानी से टूट रहा है। और इसकी सब्जियां देखिए कितना अच्छा से दिख रही हैं। हमने सर्व किया है सॉस के साथ, आप हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और दही रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और रेसिपी के साथ। जय हिंद।